क्या ढूंढते रहता है इस तस्वीर में? इन फोटोज में ना आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए देखता हूँ। पापा हम सच में स्पोर्ट्स शॉप जा रहे हैं ना? ये! जाके देखो नया बेटा है क्या, तब तक जर्सी ले लेता हूँ। ओके पापा। अच्छा अर्जुन, जॉनी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ग्राउंड से आ रहे हो ना? इंडियन टीम की जर्सी। हाँ है ना, एकदम ओरिजिनल लिमिटेड एडिशन, बहुत डिमांड है उसकी। अच्छा कितने की पड़ेगी? 500 रुपया। परसों जॉनी का बर्थडे है, वही जर्सी मांग रहा है। अभी थोड़ी तंगी चल रही है तो आप मुझे जर्सी दे दीजिए, मैं पैसे का बंदोबस्त कर दूंगा। देखो अर्जुन, मेरी शॉप का भाड़ा है 10,000, ऊपर से मैंने बैंक से लोन भी लिया है, फिर वर्कर की सैलरी, मेंटेनेंस, ये सब मिला के 20,000 होता है। खुद को मेरी जगह रख के देखो, दे पाओगे तुम? तुम सच में अच्छे प्लेयर हो अर्जुन, तुम्हारी इज्जत करता हूँ मैं, और इसीलिए तुमको ना कहने में शर्म आ रही है। पापा जर्सी ले ली। अरे जॉनी बेटा, तुम्हारी साइज की स्टॉक में है नहीं, कल तक आ जाएगी, पापा ले आएंगे। हाँ, ये पोस्टर बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल। तेरा पुत्र। चलो उठ। चलो चलो चल 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 जॉनी, चलो। हाथ जोड़ने के लिए रोज बोलना पड़ेगा क्या? गॉड जॉनी मुझे परेशान ना कर। चल जॉनी जल्दी कर, गो गो गो। चल चल रिक्शा छूट जाएगा। बाय बाय। जा अंदर। बाय पापा। बाय। सारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने 100 रुपए टीवी के नीचे रख दिए हैं। ऑलरेडी ड्यू डेट पार हो गई है, पे नहीं किया तो बिजली काट देंगे। जॉनी के गिफ्ट के लिए पैसे चाहिए थे। कितने? 500 रुपए। लॉयर के पास गए थे? नहीं, वक्त नहीं मिला। किस चीज में बिजी रहते हो तुम? दिन भर सिर्फ टीवी पर क्रिकेट देखते रहते हो और सिगरेट पी पी के अपने लंग्स खराब करते रहते हो, इसके अलावा कोई काम है? दोबारा कुछ काम धंधा करोगे भी या नहीं? छत कितने दिनों से टपक रही है बाबू, 1 महीने से बोल रही हूँ तुम घर पे बैठे हो तो छत ही ठीक कर दो। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। देखो तुम अभी से उसकी आदतें मत बिगाड़ो, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, सॉरी, उसे कुछ और दे दो। मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं। ओ, तुम्हें पता है? मैं नहीं दूंगी। ओके सर। बिजली का बिल याद से भर देना और लॉयर से बात करके कह देना कि तुम्हें फंसाया गया है। कोई मेरी जज्बात नहीं समझता, कहां से लाऊं 500 रुपए? हे राजेश, आज मुझे काम है यार, आज नहीं। काम है तो तू जाना, चाबी हमको दे दे। चलो रे। सलाम। हेलो। आज सुबह ही 4 बातें सुना के गई है। हाँ तो बैठ के गम गलत करते हैं ना। कम पड़ेगा। देख, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दे, वो जल्दी घर आ गई ना तो। अर्जुन दो हाथ मारेगा क्या? नहीं, पैसे नहीं है। 5 जन खेल रहे, एक दाव जीता तो सीधे 500 अंदर। राजेश, मेरे पत्ते भी बांट। ये हुई ना बात, देखना ऐसा पीसूंगा कि सबके पैसे खींचूंगा। अर्जुन जीता तो उधर के 100 रुपए वापस दे देना। चल जगह दे। सरक रे, बैठ। गांव बसानी लुटेरा पहले आ गया। काट।
अर्जुन, घर देख के लग रहा है कोई गवर्नमेंट क्वार्टर है, इतने सारे मेडल्स और ट्रॉफीज, ये मिले या चोर बाजार से लेके आया? सब जीते इसने, लेकिन अब ये बेचने वाला है। मैं समझा नहीं। भाई ने क्रिकेट को छोड़ा और नौकरी ने इसको छोड़ दिया। ये ले शो। जीत गया ना, अब तू जीते हुए पैसे अर्जुन को दे रहा। जुए के पैसों से सिर्फ दारू। अर्जुन एक और खेलेगा क्या? कंगाल हो गया यार। आज शाम को श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पापा जैसी नहीं मिली क्या? पापा मैं ना सभी दोस्तों को बता चुका हूँ कि आप मुझे जर्सी गिफ्ट करने वाले हो, आप लेके आओगे ना? इस महाअधिवेशन में मंत्रिमंडल के विस्तार और नए मंत्रियों की नियुक्ति के ऊपर भी चर्चा की जाए। पापा जर्सी, मुझे जर्सी चाहिए, लाके दोगे ना? सीधे गाल पे कुछ लगा है क्या? इधर आ जा। क्या ये? एक बार बोलो ना, लाके दूंगा, समझ में नहीं आता तुझे? जॉनी के लिए वो इंडियन जर्सी लेनी है, सुबह बोला था ना। बाबू, ओनर से छक के बारे में बात की? मिलने गए थे? नहीं, कल जाके मिलता हूँ। बच्चा पहली बार मुझसे कुछ मांग रहा है। लॉयर से मिल गया है? कल चला जाऊंगा। बिजली का बिल भी नहीं भरा। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो बाबू? हाँ, इस वक्त हमारे हालात क्या है पता है ना तुम्हें? 3 महीने हो गए, रेंट तक नहीं भरा हमने, कर्जे में डूब रहे हम, नेक्स्ट मंथ जॉनी की स्कूल फीस भरनी है। आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बाबू जी? पापा, कोई अंकल ना घर का फ्यूज निकाल कर ले गए। चल कैंडल जलाएगा। सीधे खड़े हो ना। अरे थोड़ा लेफ्ट हो ना, स्टिक पहुंच नहीं रही। पापा जोर से मारो, जोर से। नहीं नहीं, तुम उसकी बंद कर, अच्छे से स्माइल कर। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। थोड़ा लिपस्टिक चेक कर लो, ठीक है ना? बेटा तुम चुप रहो, तुम फोटो खींचो। ये हमारी फैमिली की सबसे अच्छी फोटो होगी। खींचो खींचो, रुक जा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितने जख्म दिए मैंने तुम्हें, पर इन जख्मों को मैं ही भरूंगा। हमारा परिवार फिर से खुशहाल परिवार बन जाएगा। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि गम के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये मेरा तुमसे वादा है। आई लव यू सारा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हमारा परिवार फिर से एक हंसता खेलता परिवार होगा। सारा, तुम्हारी महक में मैं खो जाता हूं। तुम्हारे सामने रात रानी की खुशबू भी फीकी पड़ जाती है। अर्जुन, यू आर नेक्स्ट। अर्जुन कहाँ है? सर वो बाथरूम गया सर। अरे अभी कैसे जा सकता है? नेक्स्ट सर, बैठी है उसकी। कोई मजाक चल रहा है? अरे उधर कहाँ जा रहा है? बाथरूम इस तरफ है। सर वो दूसरे बाथरूम में गया है। अर्जुन बाहर आ। अर्जुन, अरे तुझे बैटिंग के लिए जाना है, कोच चिल्ला रहा है, जल्दी कर यार। वो तुम्हें बुला रहा है, जाओ। एक गुड लक किस। ठीक है अब जाओ। गो। क्या कर रहा है भाई, कोच चिल्ला रहा है, जल्दी कर। उसे ठसका लग गया था यार, पेट थपथपा रहा था। तो ये है अच्छे बैट्समैन होने का राज, ऐसा वार्म अप मिले तो मैं भी अच्छा खेल लूं। अभी अज्जू थोड़ा आहिस्ते बोलना, हटेली खोपड़ी है वो। क्यों, वो मुझे मारेगा? अर्जुन, अरे कौन चिल्ला रहा है यार? अरे बैठिंग है, जाने दो। छोड़ 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 छोड़।
पागल है यार, कोच बहुत गुस्से में, चल जबरदस्ती बीच में आ गया। शाम को मिलते हैं। ये कभी नहीं सुधरने वाला। अच्छा प्लेयर है तो क्या हुआ, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। अरे कुछ बोलो ना उसको। ए, माना कि तेरे अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन कमियां भी बहुत है। लापरवाह लोगों को कामयाब होते मैंने कभी नहीं देखा। दोबारा ऐसा कुछ करते देखा ना तो बख्शूंगा नहीं तुझे। चल जा। क्या यार, कहां था इतनी देर से? चल हट। टैलेंटेड लोगों में टैलेंट के साथ कीड़ा होना जायज है, लेकिन चलता है। मैंने पूरे करियर में ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा। शक्ति बात है छोकरे में। पापा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बाबू। ए छोटू। हाँ भाई। सॉस ले गया? मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें सॉस की पड़ी है? अच्छा बोलो। मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया। सब बता दिया? ये क्या इतना नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल लगा? सब बता दिया? ओवर एक्टिंग मत करो, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। डैडी से बात तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज रोज इस तरह झूठ बोल के नहीं आ सकती मैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें शादी के लिए मना पाऊँ। तुम अगर बात करोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। समोसा गरम है, सॉस के साथ खाओ।